मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। मेरा हौसला अफजाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आज हम बनाने जा रहे हैं पूरी और आलू की सब्ज़ी। आलू उबाले हैं, सब्ज़ी बनाने के लिए मसाले में डालेंगे, जिसके लिए हमने ये थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, 2 तेज़पात लिए हैं, 3 साबुत मिर्चें लिए, 1/2 चम्मच हमने नमक लिया है, नमक हमने जायके के हिसाब से लिया है, और थोड़ा सा हमने ये कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 चम्मच हमने धनिया पिसा हुआ लिया है, 1/2 चम्मच हमने हल्दी ली, 1/2 चम्मच हमने मिर्चें लिए, मिर्चें भी हमने अपने जायके के हिसाब से लिए, और 1/2 टीस्पून हमने ये गरम मसाला लिया, और 1/2 चम्मच हम 1 चम्मच हमने ये खटाई लिए, और 5 मिर्चें हमने ये हरी मिर्चें लिए, और 1 चुटकी हम लेंगे हींग, और थोड़ी सी हमने ये मेथी ली जो हम ये बाद में क्रश करके डालेंगे, और उसके साथ हमने ये 4 टमाटर हमने ये काटी हैं बारीक बारीक, और 2 प्याज हमने काटी हैं जो ये हम मसाले में भूनेंगे। उसके बाद हमने ये 2 कटोरी आटा लिया है, और 2 कटोरी आटे के बाद में 1 कटोरी हमने ये इसमें मैदा डाली है, और इसके अंदर हम जो है 2 चम्मच घी के डालेंगे, इससे हमारी पूरी जो है खस्ता होंगी और मज़े के जायकेदार होंगी। इसमें ये अजवाइन डालेंगे, और अब उसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, नमक हम अपने जायके के हिसाब से डालेंगे, ये हमने 1/2 टीस्पून नमक लिया है, आप अपने हिसाब से डालें। देखिए हम इसके अंदर 2 चमचे ये रवा के डालेंगे, जिसे सूजी कहते हैं, ये 2 चमचे हम सूजी के डालना है, और ये डालने के बाद में हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा थोड़ा इसको गूंदेंगे, इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से। यह हमारा पूरी होगा आटा जो हम अपनी आलू की सब्ज़ी के साथ बनाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से और इसको थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथ से गूंदेंगे। मैं गूंद लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने आटा गूंद लिया है पूरियों का। अब पूरियों के बाद में अब हम इसे थोड़ी देर हल्का सा तेल लगा के इसको हम रख देंगे, और इसको रखने के बाद में अब हम अपनी आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे गूंद कर। बनाएंगे आलू की सब्ज़ी, जिसके लिए हमने ये 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है, और हमने ये गरम करके और हम इसके अंदर 2 तेज़पात डालेंगे। 2 तेज़पात डालने के बाद में मिर्च डालेंगे, और हम गैस को जला लेंगे। गैस हमने बंद कर दिया था तेल गर्म करने के बाद में हल्के हाथ पे, और हम इसके बाद में ये ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डालने के बाद में इसको तड़कने देंगे हम ज़ीरे को। हमारा ज़ीरा थोड़ा सा लाल हो जाएगा, ज़ीरा हमारा थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का डालेंगे। इसके अंदर हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का डालेंगे। ये हमारा लहसुन अदरक थोड़ा सा भुन जाएगा। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। हम ये प्याज थोड़ी सी हल्की गुलाबी कर लेंगे, चलिए हम ये प्याज थोड़ी सी हल्की गुलाबी करने के बाद में आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारी प्याज थोड़ी थोड़ी हल्की गुलाबी होने लगी है। इसके बाद हम इसके अंदर ये टमाटर डाल देंगे, ये हमने बारीक बारीक काटे हुए हैं, ये टमाटर डाल देंगे, और ये टमाटर भी हम इसी तरीके से भूनेंगे जब तक इसकी ये घुल नहीं जाते।
इसी तरीके से हमें ये भी टमाटर भी इसमें भूनने हैं। चलिए हम इसको भून के दिखाते हैं। ये हमारी प्याज अच्छी तरीके से भुन गई है और ये टमाटर भी हमारे भुन गए। अब हम इन्हें मसाले के साथ गलाएंगे। इससे पहले हम इसमें ये हरी मिर्च डालते हैं, सब मसाला डालेंगे। ये हल्दी, धनिया, मिर्च, ये साबुत धनिया कुटा हुआ, ये गरम मसाला, ये खटाई और ये नमक, ये हम सब चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे पानी। अब हम पानी डालने के बाद में इसे मसाले को खूब अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये भुन जाए फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा मसाला अब भुन चुका है। अब भुनने के बाद में अब हम इसमें एक दो गिलास पानी डालेंगे। दो गिलास पानी डालेंगे और दो गिलास पानी डालने के बाद देखिए हमने अभी इसमें एक गिलास पानी डाला है। इसके बाद हम इसमें एक चुटकी हींग डालेंगे। एक चुटकी हमने इसमें हींग डाली और हींग डालने के बाद में हमने इसके अंदर ये आलू डाले। ये हमने अपने आलू तोड़ लिए थे और तोड़ने के बाद में अब हम इसके अंदर ये आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद में अब हम इसे सब मिला लेंगे मसाले में। मिलाने के बाद में अब हम इसमें एक गिलास पानी और डालेंगे। जो हमारी ये सब्ज़ी अच्छी तरीके से पक जाए और इसका सारा जितना भी मसाला है सब आलू में बैठ जाए। और अब इसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर ये मेथी। ठीक, अब हम इसके अंदर डालेंगे। और इसको पका लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ी देर पका के हम इसको आपको दिखाएंगे। जी बन के तैयार है। हम इसके अंदर ये थोड़ी सी एक चुटकी कलौंजी डालेंगे। ये आपकी मर्ज़ी के हिसाब से है। अगर आपको अच्छी लगती है तो डालें और आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप ये मत डालिए। हमारे घर में सबको अच्छी लगती है तो इसलिए मैं ये ज़रा सी इसके अंदर डाल लेंगे, जिससे बहुत अच्छा मज़ा हो जाता है। अब मैं आपको ये आलू की सब्ज़ी इसके अंदर निकाल के दिखाऊंगी। देखिए कितनी मज़ेदार और जायकेदार लजीज सब्जी तैयार हुई है। हम आपको अब पूरी बना के दिखाएंगे। देखिए ये आटा हमारा कितना अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी पूरी बनाएंगे। पूरी बनाने के लिए हम इसका एक इतना आटा ले लेंगे और आटा लेने के बाद में इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे। इस तरीके से करके अब हम इसके इतने छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे। पेड़ होने के बाद में अब हम इसके इस तरीके से करके पेड़े बनाएंगे। देखिए हम ये इस तरीके से पेड़े बनाएंगे। देखिए ये हमने सबके इस तरीके से
छोटे 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 पेड़ बना लिए और इस तरीके से करके अब हम इसको बेलेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम अपनी पूरी को बेलेंगे। ये हम देख लेंगे हमें अपनी पूरी कितनी पतली करनी है कितनी मोटी करनी है, ये इतनी सही है, इतनी सही है। देखिए अब हमने ये पांच पूरी बेल ली है। अब बेलने के बाद में अब हम इन्हें तलेंगे और तल के फिर हम आपको दिखाएंगे। चुका है अब हम इसको देखते हैं, ये हमारा तेल गर्म है। अब हम इसमें अपनी पूरी डालेंगे, पूरी डाल के फिर हम इसे सेकेंगे। देखिए ये हमारी पूरी फूल गई है। अब हम इसमें एक और पूरी डालेंगे। अब हम इसमें एक और पूरी डालेंगे। आप भी मेरी रेसिपी से अपने घर में बनाएं और खुद दिखाएं और सबको खिलाएं। देखिए ये मेरी गोल गोल और फूली फूली पूरी तैयार है सब्जी के साथ, आलू की सब्जी, चटपटी मज़ेदार जायकेदार। और ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मुझे दुआ में याद रखिए, फिर मिलेंगे आपकी ख्वाहिशों के साथ। अल्लाह हाफिज़।